वही कसडोल से खबर, जहां शासन द्वारा घोषित धान खरीदी केंद्रों की सूची में रिकोकला का नाम नहीं होने से किसानों में आक्रोश है और वनांचल के किसान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बयां के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो 1 दिसंबर से वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल कसडोल ब्लॉक के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बयां के अंतर्गत आने वाले रिकोकला, सुखरी और अमरूबा, रुंझुनी, छतवन जैसे ग्रामों की ग्रामीणों को खरीदी केंद्र या फिर बया की दूरी काफी होने से धान बेचने में आवागमन में काफी परेशानी होती है, जिसको देखते हुए लंबे समय से रिकोकला में नया धान उपार्जन केंद्र खोले जाने की मांग की जा रही है। लेकिन शासन द्वारा घोषित किए गए नए धान उपार्जन केंद्रों की सूची में फिर एक नाम नहीं है। लीगल मांगनो है ये मंत्री, ये जायज है और किसान मन कोई ऐसे आंदोलन उग्र आंदोलन नहीं कर रखे मन है, शांतिपूर्वक बैठ के आंदोलन करी है, बाद में सुना थी और हम मन हा जो शासन ला बोले हैं ला के अवगत कराए कि हम काम करत हैं वो भी करके शांति से यहाँ पर आंदोलन हुई थे। निश्चित रूप से ये है कि हमारे जनप्रतिनिधिगण जैसे संतोष दीवान जी, हमारे प्रेमशिला बहन जी, ये मन के अथक प्रयास के बावजूद हमारे जो धान खरीदी केंद्र को कलम खुलना है ये है कम से कम 90% कार्यवाही पूर्ण हो चुके हैं और कुछ तथाकथित जानकारी मिले थे कि उनमें अवरोध पैदा हुए हैं तो ये निश्चित रूप से अगर खुलासा हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सरासरता केशव साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केशव, नजदीकी खरीदी के ना होने के चलते किसान परेशान हैं, उन्होंने शिकायतें भी की हैं लेकिन अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे उन्होंने रखी हैं? जी बताना चाहूंगा, वनांचल बया प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा लंबे अरसे से मांग की जा रही है कि रिकोकला में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं लेकिन शासन की ओर से अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण से अमरवा, रिकोकला, सुखरी, रुंझुनी, छतवा आदि गांव के ग्रामीण वहां पर बया सहकारी समिति में इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि बार क्षेत्र से भी ग्रामीण और किसान वहां पहुंचे थे और उनकी जायज मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए केशव।